बिल्कुल, जैसे ने आपने कहा कि अच्छी डाइट लें, सैलेड, फ्रूट्स, अल्कलाइन डाइट अच्छी लें, और योगा, प्राणायाम, और अच्छे वातावरण में रहें जहाँ प्रदूषण कम हो। बिल्कुल, तो जाहिर तौर प्रदूषण पर का जब आपने जिक्र किया तो प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का, क्योंकि प्रदूषण ये बेसिकली चेन रिएक्शन है। अब प्रदूषण है तो वातावरण में जितना ठंडक होनी चाहिए इस समय नवंबर के अंत में उतनी ठंडक नहीं है, इसीलिए अभी डेंगू इतने समय तक चलता रहा। अदरवाइज जैसे ही ठंड आती है, टेम्परेचर्स गिरते हैं, मच्छर पनपता नहीं है, तो फिर डेंगू समाप्त हो जाता है। तो ये और फिर पॉल्यूशन से हम सबकी ही प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है रोग की, तो वो भी एक बड़ा कारण हो जाता है। तो बिल्कुल, पॉल्यूशन तो हर बीमारी की जड़ में है, चाहे कैंसर को ले लें, चाहे हम अपनी सांस की रोग को ले लें, चाहे हम ओवरऑल अपनी पूरी स्वास्थ्य को ले लें। तो पॉल्यूशन जो प्रदूषण है वो बहुत घातक साबित हो रहा है, और उसका इफेक्ट कुछ लोगों में तो इमीडिएट आ जाता है कि भाई आंख में जलन हो गई, खांसी हो गई, सिर में दर्द हो गया। लेकिन कुछ लोगों को कई वर्ष बाद भी होता है कि भाई लंग कैंसर का इंसिडेंस जो है अनुपात बढ़ गया है अब सभी जगह इसकी वजह से। तो ये बिल्कुल, ये दुष्परिणाम हम देख रहे हैं अपने इकोलॉजिकल जो वातावरण में जो एक संतुलन बैठाना है, और ह्यूमन हैबिटेट जिसको कहते हैं कि जनसंख्या जो का जो विस्फोट हुआ है, उसने इन सब बीमारियों को भी प्रोत्साहित किया है। और क्योंकि अब ह्यूमन हैबिटेट है तो जंगल कम हुए, जंगल जी, कम हुए तो चमगादड़ आ गए, उससे वायरस आ गए, बंदर आ गए शहरों में। तो आप देखिए कितना हर चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो बिल्कुल हम सबको, हर प्रत्येक नागरिक को देश राष्ट्र में ये अपना योगदान देना है कि किस तरह से हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए भी वातावरण को बना के रखना है और अपना स्वास्थ्य को बना के रखना है।